दूर रहो, पास मत आना प्लीज, बचाओ। सब लोग तैयार हो जाओ। रसल, तुम क्या कर रहे हो? इन गुफाओं में मैं बोर हो गया हूँ, यहाँ कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है और मुझे हॉरर फिल्में बहुत याद आ रही हैं। इसलिए जो है उसी से मन बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जानता हूँ, माफ करना डिसेप्टिकॉन्स और हमारी झड़प से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, पर शायद जल्द ही हम कुछ स्पेशल डिलीवरी। हम चुपके से स्क्रैपयार्ड जाकर आए कुछ चीजें लाने। घबराओ मत बम्बलबी, वहाँ कहीं भी स्टील जॉ का खतरा नहीं था। फिर भी रिस्क लेने की इतनी जरूरत नहीं थी। क्या इसकी भी नहीं? मेरा रियल एक्शन पोस्टर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। अब मुझे बस बिजली की जरूरत है, उसका बंदोबस्त हो जाएगा। स्वागत है, आज भूतिया चाचा के साथ आप अपने सबसे बड़े डर का सामना करेंगे, सिर्फ इसी प्रोग्राम में, यानी भूत आया भागो। भूरा अब अचानक ये क्या हो गया? Robots in disguise, Combiner Force. उसका बंदोबस्त हो जाएगा। Strong arm. Russell. सब ठीक है? हाँ ठीक है। कैसे हो मेरे दोस्तों? और शुक्रिया कि तुम लोगों ने हाल ही में ट्रांसमिशन की जगह बदल दी। आपको देखकर अच्छा लगा प्राइम, पर बता देते तो अच्छा रहता। मेरा दोस्त भी आपके साथ है ना? ड्रिफ्ट कहाँ है? ड्रिफ्ट के पास और जिम्मेदारियां भी हैं। मैं यहाँ एक जरूरी मामले की तफ्तीश करने आया हूँ जो रैचेट से मुझे मिली। वो शैडो जोन पार्टिकल्स का पता लगा रहा है। पृथ्वी पर उसे इन्हीं के ढेर सारे कणों का बिखराव मिला है। आपका मतलब कुछ शैडो जोन से पृथ्वी आ गया है? हो सकता है। मैंने उस चीज के कोऑर्डिनेट्स फिक्सिट के कमांड टैबलेट पर भेज दिए हैं। मिल गए। इसका कहना है कि ये वही जगह है जब ग्रिमलॉक को स्काउल पहली बार मिला था। डिसेप्टिकॉन शैडो जोन से यहाँ आए तो ज्यादा देर छिप नहीं सकते। साइडस्वाइप, आगे चलो, वहाँ का मुआयना करो और फिर से रिपोर्ट करो। जरूरत पड़े तो पीछा करो, लेकिन सामने नहीं आना। मैं समझ गया। साइड स्वाइप। माफ करना दोस्त, मेरी टीवी। ए, शुक्र करो कि तुम नहीं थे, है ना? ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। साइड स्वाइप। चलो हमें भी अब निकलना चाहिए। तुम थे जिससे मेरे शुभचिंतक मुझे मिलवाना चाहते थे, और लगता है तुम ही शैडो जोन से हमारा मिशन चला रहे थे, तो इसीलिए तुमने डायमेंशनल बैरियर को तोड़ डाला। उसे ये हथियार कहां से मिला होगा? शक्तिशाली हथियार है, मेरे पास एक ऐसा ही हथियार हुआ करता था। क्या ये बता सकते हो तुम्हें ये कहां से मिला? मेरे साथियों ने एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड एक्टिवेटर मेरिकॉन्स की सीरीज बनाई है और उन्हें प्रोग्राम किया है ताकि वो मेरे लिए हथियार ले आए।
मुझे लग रहा है जिनकी तुम बात कर रहे हो उन्होंने ही मुझे फिर से जिंदा किया है। अगर ये बात है तो स्वागत है तुम्हारा मेरी डिसेप्टिकॉन की दुनिया में मेरे भाई। तुम मेरे कुछ नहीं लगते और ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। वैसे तुमने सही बात की, सच में तुमने जो मंगवाया था वो मैं ले आया। न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेड फ्यूल रॉड्स मिल गए। लेकिन तुम इनका करोगे क्या? ये ट्रांस गैलेक्टिक बीकन जनरेटर है जिसे शैडो जोन के कबाड़ से निकाला गया है। जब इसे शहर की सबसे ऊंची जगह पर लगाया जाएगा इससे तेज सिग्नल निकलेगा जिससे मेगाट्रॉन पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। शहर की सबसे ऊंची जगह? पर इतनी तेज रेडिएशन से सिर्फ मेगाट्रॉन यहाँ नहीं आएगा बल्कि पूरे शहर को तबाह कर देंगे और फिर पूरे पृथ्वी पर फैलकर जिंदगी का नामो निशान मिट जाएगा। मेरा वो इरादा नहीं था। मुझे पृथ्वी पर राज करना है, ना कि किसी बंजर बेजान जगह पे। तुम्हारे इरादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टिवेटर्स की तरह ही तुमने भी अपना काम किया। अब दूसरी दुनिया तलाश करो अपने लिए। बम्बल भी आप मुझे सुन सकते हैं, जवाब दीजिए। ऑटोबॉट ट्रांसमिशन हो रहा है, संपर्क करो और उसे ढूंढ निकालो। बम्बल भी सुन सकते हैं? बकवास। क्राउन सिटी को खाली करना होगा तुरंत, क्योंकि साउंड वेव उसे तबाह करना चाहता है और इस पृथ्वी को भी। मैं रास्ते में सब समझाऊंगा। मेयर ट्रुलियोस ऑफिस, मैं एरोस्पेस क्राइसिस मैनेजमेंट एजेंसी से बोल रही हूँ। हमारे यंत्रों से हमें कुछ तेज सोलर फ्लेयर शहर की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब एक घंटे में हमें क्राउन सिटी को खाली करना होगा। हाँ बिल्कुल, फौरन खबर करता हूँ। रुकिए, मैंने तो कभी एरोस्पेस क्राइसिस मैनेजमेंट एजेंसी के बारे में नहीं सुना। कौन बोल रहा है? ओ नहीं, वो फ्लेयर यहीं आ रहे हैं। सब भागो जल्दी। फौज पूरे शहर को खाली करवा रही है। अब अंदर जाना नामुमकिन है। कोई चीज नामुमकिन नहीं है स्ट्रॉन्ग आर्म, मेरे पीछे आओ। साउंड वेव का कुछ पता चला? नहीं, उसका स्टेल्थ टैंक बहुत आधुनिक है और मेरे पास उतने शक्तिशाली यंत्र नहीं है। रुको, वो शहर की सबसे ऊंची जगह की बात कर रहे थे। The Crown City Colossus? Crown City Bank Building, वो भी बन रही है और वो शहर की सबसे ऊंची इमारत होगी। वो वही जा रहा है, चलो चले। मैं समझा नहीं, क्यों कोई एक सिग्नल भेजने के लिए पूरे शहर को तबाह कर रहा है? इंसानों का क्या होगा? स्वार्थी स्वभाव जानबूझकर या अनजाने में ही सही तकलीफ का ही कारण बनता है, भले ही वो इस दुनिया में हो या किसी और। जैसे अपने किसी खास दोस्त की कोई कीमती चीज तोड़ देना। हा? तुमने रसल की शक्ल देखी जब तुमने उसका टीवी तोड़ दिया? वो मायूस हो गया था। उसमें क्या हुआ, मैं मिशन पर जा रहा था और वो बीच में आ गया। वो नया ले लेगा। पर वो रसल के लिए बहुत खास थी, पता है? उसके घर परिवार की यादें जुड़ी थी उसके साथ।
ज्यादा जरूरी क्या है, हमारा मिशन या टीवी? शायद दोनों ही अपनी जगह जरूरी हैं, बस नजरिए नजरिए की बात है। तुम नहीं समझोगे। जानता हूँ। बस करो। आपको क्या लगता है ऑप्टिमस, हमें साउंड वेव का एयर सपोर्ट तबाह करना पड़ेगा? सही कहा, मैं लेजर बीक को संभालता हूँ। और हम बीकन को तबाह करने की कोशिश करेंगे। प्राइम्स हम सब के साथ बने रहें। जो आखिर में पहुंचेगा वो बंदर कहलाएगा। रुक जाओ साइडस्वाइप, मैं चाहता हूँ साउंड वेव का मुकाबला हम एक शक्तिशाली टीम बनकर करें। हम अल्ट्रा बी टीम कंबाइनर बनेंगे। ड्रिफ्ट के बिना क्या हम ये कर सकेंगे? मैं नहीं जानता, लेकिन टीम कंबाइनर में ड्रिफ्ट ही हथियार बनता है। शायद हम उसके बिना कंबाइन तो हो सकते हैं। सभी फोकस करो। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें एक बिल्कुल नया प्लान चाहिए। कुछ ऐसा जिसके बारे में साउंड वेव को भनक भी ना लगे और वो कुछ कर ना पाए। मैं भी ये जानना चाहता हूँ। लगता है सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है। तुमने वो अपने वाले बढ़िया प्लान्स नहीं सुनाए? सभी शांत रहो, सिर्फ और 37 फ्लोर्स बचे हैं। Autobots, ढूंढो। ठीक है, हमारी एंट्री तो हो गई। उस बीकन को तबाह कर दो हर हाल में। कोई बिना ब्लास्टर के लड़ना चाहेगा? हाँ, स्ट्रॉन्ग आर्म और मैं साउंड वेव का ध्यान खींचते हैं। तुम बीकन की तरफ आगे बढ़ो, जाओ। प्रोसेसर से तुम्हारा संपर्क हो रहा है, बोलो क्या कहना है? पावर अप के लिए इजाजत है। Yeah.
लेजर बीकन जनरेटर चार्ज हो रहा है। प्राइम को खत्म करो और वापस साइट पर आ जाओ। हमें उस डिसेप्टिकॉन को हर तरफ से घेरना होगा। मैं जब कहूं तब चलो। इस ग्रह को बचाने की तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। इंसानों का होना या ना होना हमारे लिए मायने नहीं रखता। ये मिशन ही मायने रखता है, ना कि दूसरों पर क्या असर पड़ता है। ये मिशन ही मायने रखता है ना कि दूसरों पर इसका क्या असर पड़ता है। तुम्हें लगता है कि तुम पृथ्वी पर आकर एक छोटे बच्चे का टीवी तोड़कर कहोगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही और ना ही ये जरूरी है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये लो। आज तुमने काफी ऊंची और लंबी उड़ान भर ली है लेजर विंग। अब वक्त है तुम्हें जमीन पर उतारने का। चलो अब देखते हैं तुम हमारे हथियार के बिना कैसे लड़ते हो। तुमने भले ही जनरेटर का एनर्जी शील्ड तोड़ दिया हो पर तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। मेगाट्रॉन वापस जरूर आएंगे। आपके अंदाज का जवाब नहीं ऑप्टिमस प्राइम। तुम कहना क्या चाहते हो साइड स्वाइप? वो कहना चाहता है कि आप अच्छे लग रहे हैं सर। सही कह रही हूँ ना? तुम शायद उनमें से एक एक्टिवेटर होगे जिसके बारे में साउंड वेव बता रहा था। साउंड वेव कह रहा था कि तुम सबको अपनी मर्जी के खिलाफ मॉडिफाई किया गया है। किसने किया ये? वो कह रहा है कि ये बदलाव उन्हीं पार्टिकल्स ने किया जिन्होंने एक्टिवेटर्स के डेटा बैंक की पूरी याददाश्त मिटा दी थी। पर उसने प्रोग्रामिंग तोड़कर कैसे टीम ही बदल दी? दूसरों की फिक्र की वजह से उसने ऑर्डर्स की परवाह नहीं की और वो ये जानकर घबरा गया कि उसके मिशन से पूरी धरती तबाह हो जाएगी। और तब से वो तुम्हारी टीम का पीछा कर रहा था एक मौके की तलाश में कि कब वो तुम्हारी मदद कर पाए। नहीं, अब ये दोनों तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। मैं इन्हें हिरासत में लेकर उनके ऊपर आगे की कार्यवाही करूंगा। बिल्कुल, मुझे भी यकीन है कि शैडो जोन तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वहां तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा।
उसे एहसास हुआ कि इस मिशन से बड़ी मुसीबत आ सकती थी, इसलिए उसने चीजों को ठीक करने की पूरी कोशिश की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछली रात की तकनीकी खराबी के लिए हम माफी चाहते हैं। जानते हैं कि घर के बच्चों को ये शो बहुत पसंद है, और क्योंकि आप हमारे लिए जरूरी हो, आज शाम को हम खास परफॉर्मेंस पेश करने वाले हैं, और उसका नाम है रोबोटिक दरिंदा। भागो वरना सार दूंगा, काट दूंगा, मार दूंगा। मैं हूँ रोबोटिक दरिंदा और मैं खाता हूँ टिंडा। अब अचानक ये क्या हो गया? भागो। Optimus Prime by Arvind Mehra. Vaibhav Thakkar as Fixit. Ghanshyam Shukla as Jenny, Vlad and Soundwave. Aditya Raj Sharma as Grimlock. Anita Dukania as Strongarm. Rakesh Chaturvedi as Team Joe and Mayor Secretary. Krita Trivedi as Sideswipe. Studio Subhash Studios Private Limited. Writer Sumita Ganguly. Dubbing Director Rajiv Sinha. Sound Engineer Dipesh Patil.